स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम इन द सीरीज ऑफ थिंकर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन, थिंकर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पेपर वन में थिंकर्स जब स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो दे फील ड्रेडेड, ऑल्सो दे फील बिट इन प्रेशर काइंड ऑफ सिचुएशन। रीजन बीइंग बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और याद रख पाने मुश्किल हो जाते हैं कई बार। उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये जो लेक्चर है, नाउ ऑनवर्ड्स लेक्चर सीरीज वुड कम इनटू द ऑल द थिंकर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी कम्प्लीटेड। यू ऑल आर वेलकम टू द लेक्चर, वेलकम। सो इन द सीरीज ऑफ थिंकर्स वी हैव मैक्स वेबर, and Max Weber theory of bureaucracy is very important. So Max Weber was a person in the times he was living, that time was theory building time of public administration from the classical perspective. Classical ka matlab kya hai, aap koi bhi classical cheez dekhenge to kaisi hogi, purani hogi, vintage hogi. So aise hi yahan par is kaal ki bani hui, aur Max Weber ने जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया वो क्लासिकल है, वो पहली समझ है, प्रयास है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है परंतु सिस्टमैटिकली पहली बार करा गया था। तो क्लासिकल अप्रोच, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी फाइंड अ सेंट्रल प्लेस। तो क्लासिकल अप्रोच ऑफ थ्योरीज में वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की महत्वपूर्ण जगह है। फर्स्ट थिंकर थे वेबर जिन्होंने सिस्टमैटिकली स्टडी किया ब्यूरोक्रेसी क्या है इस चीज को। मैक्स वेबर 1864 से 1920 के बीच रहे, तो इसका कालखंड याद रखना आवश्यक है। लिख के आए या ना आए पर फ्रेम याद रखिए कि लास्ट इयर्स डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी और आपका अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में ये रहे। ये जर्मन थे ओरिजिन से, लॉ स्टडी किया और अपनी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट क्यूरियोसिटी इंक्विजिटिवनेस थी ही। इनकी मेजर राइटिंग हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी एक रचना है। द रीजन बींग इससे ब्यूरोक्रेसी को एक आधार मिला कि वो क्यों एक्सपैंड हो। जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है वो प्रोटेस्ट करने की वजह से आई, जो कि ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया जो क्रिश्चियन रिलीजन के आधार पर लोगों की लाइफ्स में थी। और जब इसको चैलेंज किया तो ये माना गया कि द सेल्वेशन कैन बी हियर इटसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, एंड टू हैव सेल्वेशन वी कैन ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ मनी, और लॉट्स ऑफ मनी के लिए हमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, और उनके लिए हमें चाहिए कि काम जो है रेपिटेटिव हो, कॉन्स्टेंटली हो और आर्बिट्रेरीनेस ना हो। अब ये आर्बिट्रेरीनेस ना हो इसका मतलब प्रति हर व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य दिया जाए, तभी स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस जैसी और स्पेशलाइजेशन जैसी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती हुई हमें दिखाई देती हैं। So, कह रहे हैं कि पावर इज चांस टू इम्पोज योर विल विद इन अ सोशल कंटेक्स्ट इवन व्हेन अपोज्ड एंड रिगार्डलेस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ दैट चांस। दैट पावर इज इफ योर विल इज इम्पोज्ड इन अ सोशल इंटरैक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जिस पे आपकी विल इम्पोज हो रही है वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपके कहे अनुसार कार्य करे तो आप पावरफुल हैं। सो वेबर्स ब्यूरोक्रेसी कंटेक्स्ट देख लेते हैं। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के द्वारा और थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वेबर के द्वारा फर्स्ट मेजर थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। थ्योरीज ये थ्योरीज आई क्यों, क्योंकि जिस समय एज वी हैव टॉक्ड ही वाज बोर्न इन 1864 एंड लेटर ऑन पोस्ट 1880s एंड 90s ही वाज कॉन्स्टेंटली राइटिंग। सो एट दैट टाइम देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट कैसे ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही थी। पहले की ऑर्गेनाइजेशन मॉम एंड पॉप शॉप्स की तरह थी, मतलब बड़े किराना स्टोर की तरह थी।
किसी को भी पकड़ के ले आए, भाई तू ये काम कर लेना, तू ये काम कर लेना। बट जब ज्यादा जटिल ऑर्गेनाइजेशंस होने लगी तो वहां पर कार्य करना मुश्किल हो गया। अब ये कार्य करना जो मुश्किल हो गया, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि थ्योरीज बनानी पड़ेगी बेहतर कार्य कैसे हो सकता है। तो थ्योरीज रिस्पॉन्स था, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बिग हो रही थी, बड़ी हो रही थी, एनलार्ज्ड हो रही थी, बहुत इनका फंक्शंस एनलार्ज हो रहे थे, प्लस प्लस हो रहे थे। अब चाहिए आपको थ्योरी कि कैसे इसको डील करा जा सकता है। सो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी इन इट्स फंक्शनिंग। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या लाती है? एफिशिएंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाने का कार्य करेगी। और एफिशिएंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। तो सो वेबर, नो स्पेशल प्रूफ इज नेसेसरी टू शो दैट मिलिट्री डिसिप्लिन इज द आइडियल मॉडल फॉर द मॉडर्न कैपिटलिस्ट फैक्ट्री। सो जब मैंने जैसे आपको बताया कि कैपिटलिस्ट फैक्ट्री बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा मिलिट्री टाइप ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। मिलिट्री टाइप ऑफ डिसिप्लिन क्या सा होता है? हायरार्की होती है, एक चेन ऑफ कमांड होती है, ऊपर से नीचे तक सबको एक कमांड दी जाती है। कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट एंड नीचे के जो रैंक एंड फाइल है, इस तरीके से कोई भी ऑर्डर आता है। हर किसी को अपना कार्य पता होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई भी एक दूसरे के कार्य में नहीं जाएगा। इन्फेंट्री डिवीजन वाला कोई भी व्यक्ति तोपखाने में जाके काम नहीं करेगा, आर्मर्ड में जाके काम नहीं करेगा। इंजीनियर्स वाला कोई भी व्यक्ति जाके स्पेशल फोर्सेस में फालतू में नहीं घुस जाएगा कि मैं भी आ गया हूँ। सो ईच स्मॉल इंग्रेडिएंट हैज डिफरेंस। सो मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज डिमांडेड, इसका मतलब है कि मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी, आज की ब्यूरोक्रेसी या फिर जो टेलर जिस समय की बात, सॉरी वेबर जिस समय की बात कर रहे हैं, वो डिमांडेड थी। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा लग रहा था कि देवर फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि अब कैसे करें इसको मैनेज। ये अ पेक्यूलरिटी ऑफ मॉडर्न कल्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ इट्स टेक्निकल इकोनॉमिक बेसिस डिमांड्स द वेरी कैलकुलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि यदि आपको कोई भी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, लेट अस सपोज ये एक कारखाना लगाना है, तो ये जरूरी है कि यहाँ पर कैलकुलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स हो। ये नहीं है कि एक दिन में प्रोडक्शन हुआ 10,000 गुड्स का, अगले दिन प्रोडक्शन हैज प्लमेटेड टू 5,000 गुड्स एंड द नेक्स्ट डे इट हैज गॉन टू 20,000 गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। नो, इट डजंट वर्क। यू नीड टू हैव प्रेडिक्टेबिलिटी, रोज कितना प्रोडक्शन होगा, रोज कितना बिकेगा, कितनी सेल्स होंगी, ऐसा हमें आवश्यक है पता होना। सो कैपिटलिस्ट मार्केट की बात करें तो कैपिटलिस्ट मार्केट, जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा, कैपिटलिस्ट मार्केट हुए, वहां पर ऑफिशियल जो बिजनेस है वो प्रिसाइजली डिसाइड होता है। हर किसी को अपना कार्य पता होता है, कितना प्रोडक्शन करना है ये ध्यान में रखना होता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है, कंटिन्यूसली आपको प्रोडक्शन करना है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना बेहतर है। आप इमेजिन कर लीजिए महिंद्रा कंपनी या टाटा कंपनी, अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, यहाँ पर क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा कार्स बनानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक हफ्ते में, एक दिन में, एक महीने में कितनी कार्स बना सकते हैं। सो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने भी कुछ लिखा है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा नहीं है। उनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी एक क्लास ऑफ बॉडी है जो कि उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि दमनकारी क्लास है। इट मीन्स द क्लास ऑफ पीपल हु आर सप्रेसर्स, ऑप्रेसर्स ऑफ द पीपल हु आर प्लोरिटेरियन। सो ब्यूरोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बुर्जुआ क्लास इन अ सोसाइटी। So the bureaucracy is a circle from which no one can escape. Its hierarchy is hierarchy of knowledge. इससे कोई भी नहीं बच सकता है। एक बार bureaucracy establish हो जाए तो, इसका मतलब भारत में अगर बात करी जाए, नियम कानून से आप कहीं भी नहीं बच सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के घेरे में आ जाओगे। आधार कार्ड से सरकार पता कर लेगी, पैन कार्ड से पता कर लेगी, वोटर आईडी कार्ड से पता कर लेगी, पड़ोसियों से पता कर लेगी, पुलिस भेज देगी, ड्रोन से निगरानी कर लेगी। तो वर्ल्ड जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप में मैक्स वेबर ने नहीं दिया, विंसेंट डी गॉर्नी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे 1745 में, उनके द्वारा ये वर्ड लाया गया है लेक्सिकन में।
द टर्म ब्यूरो मीनिंग राइटिंग टेबल एंड ऑफिस, क्रेसी का मतलब है रूल। अब ये जो आया ब्यूरो का क्या मतलब है, ब्यूरो का मतलब है फ्रेंच भाषा से आया, जिसका मतलब था राइटिंग टेबल, टेबल जो लोग भी टेबल के आसपास बैठते थे वो ब्यूरोक्रेट हो गए, मतलब क्लरिकल काम या ऑफिशियल काम ब्यूरोक्रेसी हो गया। क्रेसी का मतलब होता है रूल, ब्यूरोक्रेसी हो गया रूल ऑफ ऑफिशियल, बिकम अ स्टैंडर्ड एंड एक्सेप्टेड टर्म। अब धीरे धीरे हर जगह पर इसको स्वीकार किया जाने लगा। कार्ल मार्क्स ने भी ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस किया है जैसे मैं बता चुका हूँ, पर कंटेक्स्ट क्या है कार्ल मार्क्स के द्वारा, कि ब्यूरोक्रेसी जो है अपने आप में उस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करती है जो कि अपने आप में दमनकारी है, लोगों का, मजदूर किसानों का दमन करता है। ऐसा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और ये इग्नोरेंस ही है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब सिविल सर्विसेज नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहे कि आप क्या बनना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेट, इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल सर्वेंट। हाँ, आम भाषा में लोगों को ऐसा लगता है पर टेक्निकली ये मतलब नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट पिक्चर हॉल सिनेमा घर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट किसी भी और भी जगह, वहां पर भी ब्यूरोक्रेसी होती है। यहां तक कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फार्म है जहां पर लेट अस सपोज प्लांटेशन का काम है बहुत बड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां पर भी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है अगर वहां पर हायरार्की होगी, चेन ऑफ कमांड होगी, डेफिनेट स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस होगा। तो आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट एटलीस्ट, ब्यूरोक्रेसी मींस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी इन सिविल सर्विसेज, इट कैन बी इन टू PSU पब्लिक सेक्टर, जो यूटिलिटीज हैं, यूनिट्स हैं, उसमें बैंक के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट सेट ऑफ पीपल, इट इज नॉट सिविल सर्विसेज। नाउ मैक्स वेबर ने ऑथोरिटी के बारे में क्या कहा, सो उन्होंने लेजिटिमेसी ऑफ ऑथोरिटी पे बात करी। लेजिटिमेसी का क्या मतलब होता है, लेजिटिमेसी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज लेजिटिमेट हो जाती है जब लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। सो थ्योरीज ऑफ डोमिनेशन दिया इन्होंने, लीडरशिप दिया और लेजिटिमेसी ऑफ ऑथोरिटी भी दिया, डिफरेंशिएटेड ऑथोरिटी पावर और कंट्रोल। तो इन्होंने कहा देखो सबसे पहले कि भाई देखिए ऑथोरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। सो किसी के भी पास है ऑथोरिटी, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास है पावर और पावर को कहीं से लेजिटिमेसी मिल रही है। अब लेजिटिमेसी का मतलब क्या है कि एक तो लॉ से ये कहीं ना कहीं बैक्ड है और जो जनता है वो इसको स्वीकार कर रही है, इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। यदि आप कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर हैं, आप पावरफुल हैं, पर क्या आपके पास ऑथोरिटी है कि आप रात को 10 बजे के बाद जो लोग घूम रहे हैं उनके ID चेक कर सकें? नहीं है आपके पास ऑथोरिटी। सो पावरफुल होने से कुछ नहीं होता है, पावरफुल आप पहलवान हो सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े, पर आप क्या गाड़ियों को रोक के उनका चेकिंग कर सकते हैं, चालान काट सकते हैं? नहीं। अब आप पावरफुल हैं खली की तरह और आपको पुलिस में भी भर्ती कर लिया जाए, अब आपके पास आ गई लेजिटिमेसी। अब आप गाड़ियों को रोकेंगे तो इसलिए नहीं कि आप पहलवान हैं इसलिए रोक रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं इसलिए रोक रहे हैं। तो ये हुआ सोशल एक्सेप्टेंस कि हाँ पुलिस वाले हैं इसलिए गाड़ी को रोक रहे हैं, लोग मानेंगे, यही लेजिटिमेसी है। और ऑथोरिटी इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। पर्सन पोजेस पावर इफ इन अ सोशल रिलेशनशिप वो अपनी विल, अपनी जो चाहत है उसको कह सके कि ये ऐसा कार्य करो, तो डिस्पाइट रेजिस्टेंस, जिसको कार्य करना है वो नहीं भी उसका मन कर रहा है तब भी, सम एक्सरसाइज ऑफ पावर बिकम्स कंट्रोल। अब हर पावर बहुत लोगों के पास हो सकती है इंडिविजुअल लेवल पे भी, जब हम पावर को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब इधर उधर ना भागे, डिस्ट्रक्टिव ना हो, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफ पावर। ऑथोरिटी तब दिखाई देती है कि कोई भी जो कमांड कहा जा रहा है वो ओबीडियंस, वो मान लिया जाए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के द्वारा, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये अगर कोई आदेश दे रहे हैं तो SDM और नीचे की ब्यूरोक्रेसी इस चीज को, तहसीलदार लेखपाल तक, सब मान लेंगे। सो
अथॉरिटी आइडेंटिकल होती है अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड के साथ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटेरियन पावर है, अथॉरिटी है, पावर है कमांड करने की। अथॉरिटी तभी तक रहती है जब तक वो लेजिटिमेट रहे। यदि आप पुलिस वाले हैं और भर्ती हैं, जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आपकी कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। उन्होंने थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज की बात करी है यहाँ पर, प्योर और आइडियल टाइप हैं ये। एक चीज और ध्यान रखना होता है हमें, जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका बहुत ध्यान रखने की बात यह है, ये थ्योरी आइडियल कंस्ट्रक्ट है। ये थ्योरी एक व्यक्ति ने कहीं पर बैठ के लिखी है उसके ऑब्जर्वेशन से, और उसके ऑब्जर्वेशन में दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं, तो ये आइडियल उसके दिमाग का है। पर क्या ग्राउंड पे 100% चीजें ऐसी ही होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सो ग्राउंड पे चीजें 60-70% ऐसी होंगी, 30-40% अलग होंगी। सो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं प्योर या आइडियल टाइप, कि ऐसा होता है उनके दिमाग के अनुसार। पर दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं होता। 193 कंट्रीज तो यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, राइट? सो अभी आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो जैसे राजा महाराजा मोनार्की थी, जैसे भारतीय अगर इतिहास की बात करें तो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या अशोका या मिडिवल टाइम्स तक अकबर की बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। यहाँ पर नियम कानून खोज लिए जाते हैं, बनाए नहीं जाते। कोई लोकसभा राज्यसभा की तरह इतनी बड़ी चर्चाएं नहीं होती, और एक एक परिवार में चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे होती है पास ऑन। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास अथॉरिटी इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत कैरिज्मेटिक होते हैं, जैसे हिटलर है या गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। कैरिज्मा था उन्होंने, लीडरशिप क्वालिटीज उनकी इसलिए मानी जाती है कि उनमें एक ऑरा होता है, एक सुपर ह्यूमन बीइंग जैसी कोई चीज होती है, एक स्पार्क होता है जिससे लोग अभिभूत हो जाते हैं। दे गेट इन्फ्लुएंस बाय सच कैरिज्मेटिक थिंग्स दे हैव, द पर्सनैलिटी, द मे बी द हाउ दे कमांड, द कॉन्फिडेंस दे हैव, सुपर नेचुरल आस्पेक्ट। देन लीगल रैशनल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। लीगल बैक्ड बाय द लॉ एंड रैशनल मीन्स बाय नॉलेज, बाय रीजन। रैशनल बाय रीजन, बाय नॉलेज, बाय मेरिट। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि इट रेस्ट ऑन बिलीव इन द लीगैलिटी ऑफ पैटर्न ऑफ नॉर्मेटिव रूल्स एंड द राइट ऑफ दोज एलिवेटेड टू अथॉरिटी अंडर सच रूल्स। तो कुछ रूल्स पे ऊपर बेस्ड होती है। ओबीडियंस जो है इम्पर्सनल ऑर्डर को होता है। अब ये इम्पर्सनल ऑर्डर क्या है? देखिए, इम्पर्सनल ऑर्डर का मतलब है कि कोई भी पर्सन पे डिपेंड ना हो। जैसे यदि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और आपका कार्यकाल 1st of January 2023 से लेके 1st of January 2024 तक है, इस समय के बीच में आप जो भी कार्य कर रहे हैं लोग आपकी बात मान रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप कोई एक्स वाई जेड पर्सन हैं, इसलिए क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं। 1 जनवरी 2024, इट मीन्स 1st of January 2024 के बाद जो व्यक्ति आएगा उसकी बात मानने लगेंगे। आप उसके बाद कहेंगे कि मैं मेरी बात मानो, कल तक तो मान रहे थे, तो बताएंगे कि सर आपका तो ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर व्यक्ति नहीं, पोस्ट की वैल्यू है। इट एक्सटेंड टू द प्रेजेंट पर्सन एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ ऑफिस ओनली बाय वर्च्यू ऑफ फॉर्मल लीगैलिटी ऑफ देयर कमांड। केवल और केवल फॉर्मल लीगैलिटी है, केवल और केवल जो सरकार ने ताकतें दी हैं उसकी पहचान है। पर्सनली अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो और कहीं पर ट्रांसफर हो जाए और एक साल बाद कहो कि मेरी वही बात उसी तरह से मानी जाए, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। तो ओनली विद स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑफिस, ऑफिशियल कंडक्ट में ही आपकी पावर मानी जाएगी। जो भी आप जो भी कमांड दे रहे हैं, आप लोगों को अगर कहने लगेंगे तुम्हें घर में ये पहनना होगा और ये खाना होगा, लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आपका जो दायरा है केवल ऑफिस तक ही सीमित है। फाइव एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें, सो अथॉरिटी तभी होती है जब एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु रूल। तो कुछ लोग होते हैं जो रूल करेंगे, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ मान सकते हो एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग हैं जो इनकी बात मानेंगे, नीचे वाले
ये रूल इनके ऊपर ये रूल कर रहे हैं एक तरीके से। रूल का मतलब है यहाँ पर राजा की तरह रूल नहीं, और केवल नियम कानून को लागू करवा रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, द विल ऑफ द रूलर्स टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द रूल एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दैट विल और कमांड। यहाँ पर ये लोग चाह रहे हैं, जैसे अभी COVID-19 के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा कि ये वाले जो लोग हैं उनको COVID-19 के तहत हम क्या कर दें, इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें। सो इनकी चाहत होगी इन्फ्लुएंस करने की, ये जो नीचे हमारे जैसे लोग हैं उनका, उनको घर में लॉकडाउन करके रखते। एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस, अब यहाँ पर जो लोग हैं ये भी एविडेंस होना चाहिए कि अगर अथॉरिटी यहाँ से आई, कमांड या आई, घोषणा हुई, तो क्या इस जनता ने ये मानी। यदि ये जनता मान रही है तो अथॉरिटी स्टैब्लिश हो गई है, अगर नहीं मान रही है तो नहीं हुई है। लॉकडाउन लगाया है और सारी दुनिया वैसे ही चल रही है सड़कों पर, तो उसका कोई महत्व नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस दैट इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस होना चाहिए। Authority exists as long as accepted, legitimate by the ruled. अब जैसे मैंने बताया कि authority तब तक ही है जब तक legitimacy है, सरकारें चुनके आती हैं हमारे देश में, पर यदि चुनाव हारने के बाद भी सरकार ये कहने लगे नहीं हम ही इस पद पे काबिज रहेंगे, तो वो नहीं चलेगा, लोग विद्रोह कर देंगे। पर जिस दिन तक सरकार का कार्यकाल 5 साल का तक का होता है, सरकारें अपना कार्य करती हैं। So organization rule or administer only when it has legitimacy. All administration means dominance. सारे के सारे administration का मतलब है कि set of body dominate कर रही है और लोगों पे उनकी will को, अपनी will को impose कर रही है उन पे. So he categorized the person in organization as those who, जो accustomed होते हैं obey commands, जो जिनको पता है कि अगर district magistrate की तरफ से command आ रहा है तो हमें स्वीकार करनी है। Personally interested in seeing the existing domination to continue. So, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो SDM रैंक के होंगे, ADM रैंक के होंगे, वो चाहते हैं कि हाँ DM साहब जो ऑर्डर दें वो नीचे के लोग भी माने और खुद भी मानते हैं, वो खुद भी वो एक्सरसाइज करते हैं इस डोमिनेशन में। DM साहब का आदेश आया कि हमें लॉकडाउन लगाना है, तो SDM और ADM तहसीलदार सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो रेडी रहते हैं इन एक्सरसाइज करने को, functions को। Weber defined administration as domination or exercise of authority. Administration क्या है? Domination है और exercise of authority. So आप district magistrate बन चुके हैं, आपके पास power है, ठीक है, अब उसको legitimacy मिल गई है। So administration अब क्या है? Administration है कि आप उस authority के साथ अपना कार्य करेंगे, 9 बजे office में जाएंगे, 9 से 10 से 11 के बीच में आप जनता दरबार लगाएंगे, लोग आपकी समस्याएं लेके आएंगे, उसके बाद आप अन्य लोगों मीटिंग करेंगे, फिर आप रेवेन्यू कोड से रिलेटेड, जो आप मैजिस्ट्रेट हैं तो रेवेन्यू के मामले, जो म्यूटेशन लैंड से रिलेटेड ऑल मामले को आप सुनेंगे। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई? बिकॉज यू हैव अथॉरिटी, यू आर एक्सरसाइजिंग योर अथॉरिटी। व्हाइल मोस्ट अदर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंटिस्ट डिफाइन इट एज अ सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, बहुत सारे लोग इसको परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और सर्विस बोलते हैं, पर इन्होंने कहा कि ये डोमिनेशन है, यह एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर आपको ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि 29th ऑफ दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यहां पर 1 से 4 PM क्लासेस होती हैं लाइव, साथ में आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, साथ में आपको PDF क्रक्स मिलेगा, जो कि बहुत सारी बुक्स के बेहतर बेहतर सेक्शंस को कंपाइल करके बनाया गया है। और इसके अलावा आपको क्रक्स में EPW के आर्टिकल्स भी मिलेंगे और IIPA के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी आर्टिकल्स मिलेंगे और ये क्लास में भी डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 4 टेस्ट होंगे आपके फुल लेंथ और 8 टेस्ट होंगे सेक्शनल टेस्ट। Apart from this, you will also have doubt clearing sessions, you will have answer writing sessions, ठीक है, answer writing session भी आपको मिलेगा। So आपको practice हो जाएगी class के अंदर ही। All in all a very comprehensive offer that you are getting. So live classes are there, handwritten notes are there, PDF crux is there,
so that you don't have to go around many searching into many bigs. EPWO is there, IIPA is there. Then test is there, answer writing is there, test ka discussion hoga, test ke numbers aayenge, phir wo aap se discuss kare jayenge. So this is a whole composite offer that you are having. So SC live code ka use karna hai, aapko prices ekdam kam damo pe 15,999 pe mil jayega ye offer. So do remember 29th of December is the date. So we start the batch from that date. लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी की अभी बात कर लेते हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे थे. सो वेबर आइडेंटिफाइड सर्टेन फीचर्स ऑफ लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी. अब ये बात तो हो गई अथॉरिटी के आधार पे, तीन भागों में हमने तोड़ दिया है. एक है आपका ट्रेडिशनल, एक है आपका कैरिज्मेटिक और एक है आपका लीगल रैशनल. सो अभी ये लीगल रैशनल पे ही ज्यादा उनका फोकस रहा था, उनका मेन पर्पस था लीगल रैशनल को जाके देखना, डिफाइन करना कैसे काम हो रहा है. सो वेबर आइडेंटिफाइड सर्टेन फीचर्स ऑफ लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी. उनके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं इसके, क्या हैं कि यदि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो वहां पर जो खड़ी हुई गाड़ी होगी वो क्या है, वो आपकी अपनी गाड़ी नहीं है, इनोवा क्रिस्टा जब आप डीएम बन के घूमेंगे. So officials do not own the resources, are accountable for the use of official resources. आप उस गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं परंतु उस गाड़ी का उपयोग करना है सरकारी कार्यों के लिए, उसमें आप लद्दाख की ट्रिप लगाने नहीं जा सकते हैं. Official business and private affairs, official revenue and private revenue are strictly separated. अब जब आप district magistrate बनेंगे तो बहुत बड़े revenue का पूरा मामला होगा आपके पास. तो लेट अस सपोज 100 करोड़ रेवेन्यू आया है आपका दो तीन महीने में, तो अभी आप ये नहीं कर सकते कि इसमें से 10 करोड़ खुद के रख लिए, ये पूरा सेपरेटेड अलग है. आपका ऑफिस आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. ऑफिसेस कैन नॉट बी एप्रोप्रिएट, आप वहां पर हमेशा के लिए नहीं बने रह सकते हैं. आपकी पोस्टिंग जब तक होगी आप वहां पर तब रहेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड ऑन रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स. सो बेसिकली जो भी कार्य होगा दैट वुड बी all things would be in written. If there is an order coming directly from state government that there would be lockdown since new variant of COVID is spreading, now that would be informed to you as a district magistrate by a letter. Fax aayega, letter aayega aapke paas, ICMR ke through ya kendra sarkar ke through aayega, wahan par kai sare logo ke sign honge, तब आप लगाएंगे. किसी ने आपको फोन करके कहा कि एक काम करिए लगा दीजिए लॉकडाउन, ऐसा नहीं हो सकता. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड, रिटन डॉक्यूमेंट्स आर देयर, ओनली ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स हर चीजें चलती हैं. सो यहां पर देख रहे हैं आप, रिटन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार है हर चीज, इसके अलावा कुछ नहीं है. यहां पर आपका ये है आपकी ट्रेडिशनल हायरार्की, ये है आपकी कैरिज्मेटिक और ये है आपकी चश्मा लगाए हुए पढ़ने उड़ने वाला व्यक्ति, लीगल और रैशनल. सो लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी के, और वेबर नेवर डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी. उनका ये मानना था कि मुझे नहीं पता ये डेफिनेशन क्या है. इनके अनुसार एन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, बस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अपॉइंटेड होते हैं ऑफिशियल. ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड्स एक्सप्लिसिटली, मतलब स्पष्ट रूप से अपॉइंटेड ऑफिशियल्स ओनली, लिविंग आउट द इलेक्टेड वर्ड, ठीक है. सो केवल ऑफिशियल्स होते हैं, इलेक्टेड वन नहीं होते. मतलब हमारे जो एमपी एमएलए हैं वो कभी भी वो कभी भी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट नहीं माने जाते हैं. केवल और केवल आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी ये, या फिर पीएसयू के मैनेजर, या फिर बैंक के ऑफिसर्स, ये जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे हुआ है, जिनका सिलेक्शन आपका रूल बेस पे हुआ है. वेबर रोट अ ग्रेट डील, बहुत लिखा, ऑफ द ऑफिशियल्स इन अ मॉडर्न सोसाइटी. इनका रोल क्या है, इट हैज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोशल रोल. सो ब्यूरोक्रेट्स का रोल क्या है, सिविल सर्विसेज को यहाँ पर अगर मान लें हम, ब्यूरोक्रेट सिविल सर्विस ज्यादा से ज्यादा है. पहले केवल और केवल पुलिस स्टेट होता था, मतलब अंग्रेजी राज में इमेजिन करिए, वहां पर अंग्रेजों को केवल और केवल ध्यान था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर दंगा नहीं होने देना है. क्यों,
क्योंकि उससे हमारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन है डिस्टर्ब होगा, इसलिए नहीं कि वो हमसे बहुत प्यार करते थे, नहीं, उनको मेन पर्पस था कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त चाहिए, इट मींस यू नीड टू हैव गुड लॉ एंड ऑर्डर। सो इट वाज अ पुलिस स्टेट, जो भी दंगा करेगा उसको पिटाई कर देंगे, फांसी चढ़ा देंगे, कलेक्शन और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। धीरे धीरे समाज बदलने लगा और हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट आई। वेलफेयर स्टेट का मतलब यह है कल्याणकारी राज्य, आपके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, वह अन्य योजनाएं हैं, ये भलाई के कार्य हैं, इसी को वेलफेयर बोला जाता है, राइट। सो जैसे जैसे ये वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का कार्य भी बढ़ा है। ब्यूरोक्रेसी केवल और केवल आपके रिटन रूल्स पे ध्यान रखती है। यहाँ पर देखिए, ये एक दिखाया जा रहा है कि भाई हमारे पास ना आए, रिटन रूल्स के अनुसार उधर जाए। सो लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी की और बात करें तो ऑफिशियल बिजनेस जो होता है कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेगा, रेगुलेटेड बेसिस पे चलेगा। एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फंक्शंस विद स्टिपुलेटेड रूल्स, कोई भी जो रूल होगा कंटिन्यूअस होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील कार्यालय और पुलिस का कार्यालय रोज खुलेगा, वहां पर रोज कार्य होगा, कोई व्यक्ति आए जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर ऑफिस तो खुलेगा, राइट, रोज काम तो होगा कंटिन्यूअसली बेसिस पे। द पावर इन द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफिशियल इन टर्म्स ऑफ इम्पर्सनल क्राइटेरिया, जो भी आपको पावर है और फंक्शंस है वो इम्पर्सनल है, मतलब आप जैसे ही आपकी पर्सनैलिटी को नहीं मिले हैं, आपकी पोस्ट से वो आपके पास पावर आ रही है। ऑफिशियल इज गिवन मैचिंग अथॉरिटी, अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट अस सपोज आप हैं आईपीएस अधिकारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, सो आपके पास इंडियन पुलिस एक्ट के थ्रू, आपके पास एविडेंस एक्ट के थ्रू 1872, आपके पास भारतीय न्याय संहिता के थ्रू आपके पास पावर डिफाइंड है वहां पर, बिल्कुल, वे जितने भी कानून है आपको पावर दे रहे हैं, दीज ऑल कानून इंडियन भारतीय न्याय संहिता है, या आपका एविडेंस एक्ट है, पुलिस एक्ट है, वो डिफाइंड है आपके रोल्स वहां पर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर तो उतनी ही आपको अथॉरिटी भी दी जा रही है कि आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, उनके बयान ले सकते हैं, उनको जेल में ले जा सकते हैं, लॉकअप में डाल सकते हैं। द मीन्स ऑफ कंपल्शन, मतलब पैसे से संबंधित चीजें स्ट्रिक्टली लिमिटेड है और उनको लेजिटिमेटली डिफाइंड है, उनको जहां लगाया जाना है वहां। रेवेन्यू जो आ रहा है वो पार्टी करने के लिए नहीं है, वो सरकार के खजाने में जमा करने के लिए है। गाड़ियां जो हैं वो लद्दाख की ट्रिप लगाने के लिए नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए है। एवरी ऑफिशियल एंड एवरी ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर देखिए हायरार्की है, यहाँ पर एक, जैसे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उसके नीचे ADMs काम करते हैं, फिर आपके SDMs काम करते हैं, फिर आपकी तहसीलदार काम करते हैं, उसके नीचे आपके नायब तहसीलदार NT जिन्हें बोलते हैं, नायब तहसीलदार काम करते हैं, इसके नीचे आपके कानून गो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर काम करते हैं, और सबसे नीचे ब्यूरोक्रेसी में जो रेवेन्यू से रिलेटेड लेखपाल या पटवारी जिन्हें बोला जाता है वो कार्य करते हैं। सो एवरी ऑफिशियल इन एवरी ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। ये देखिए हायरार्की है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हायर ऑफिशियल और ऑफिसेस परफॉर्म सुपरविजन, ये जो हायर ऑफिसेस हैं ये ग्राउंड पे जाके थोड़ी काम करते हैं, खेत नापने डीएम साहब नहीं जाते हैं, हैंडपंप किसको मिला, सोलर लाइट किसको मिली, नाली की सफाई हुई, ये डीएम साहब खुद नहीं जाते हैं। कभी निरीक्षण में, इट मींस इंस्पेक्शन में चले गए, दैट इज अनदर इशू, बट हिज डे टू डे फंक्शन इज ऑफ सुपरवाइजर, ही इज अ बिग सुपरवाइजर, ही सुपरवाइजेस एवरीबॉडी एल्स। तो लोअर ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स हैव राइट टू अपील। अभी कोई भी कार्रवाई होती है, डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है, सो लोअर ऑफिशियल्स उनको, हम जैसे लेट अस सपोज कोई लेखपाल हैं, पटवारी हैं, एंड दैट गाय वाज कॉट टेकिंग ब्राइब और कमिंग ऑफिस ऑन लेट ऑन डेली बेसिस, सो नाउ लेट अस सपोज व्हेन ही वाज कमिंग टू ऑफिस लेट हिज 2 days salary was cut. Now that person may appeal.
वो अब उनसे बड़े अधिकारी की, सर मेरे साथ ये दिक्कत थी, मैं कुछ और काम करके आता था, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेके करके आता था, तब ऑफिस पहुंचता था, मैं वास्तव में पहले से ही काम कर रहा होता था। सो अपील में ये देखा गया कि अच्छा तुम गए थे, ग्रामीणों से पूछताछ करी गई कि हाँ ये आते थे, अपील में उस व्यक्ति की जो तनख्वाह कटी है वो नहीं काटी जाएगी। ये होता है राइट टू अपील। सो फीचर्स ऑफ ऑफिशियल्स, द स्टाफ मेंबर पर्सनली फ्री। अब आप ऑफिस के बाद, आप जिला कलेक्ट्रेट में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आपको बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं, ऑफिस खत्म होने के बाद आप पर्सनली फ्री हैं, आप कुछ भी करें। ये जो हायरार्की और कमांड स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी है डीएम साहब की, वो केवल और केवल ऑफिशियल बिजनेस से संबंधित है। सो जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो अपॉइंटेड ऑफिशियल पोजिशन पे बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सरकार का भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, यदि आप काम ही नहीं करेंगे, घोटालेबाजी कोई कर देगा तो उसको निकाल के बाहर कर देंगे, जेल भेज देंगे, कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको पोस्टिंग दी गई है, आप जाके काम करें, 9 बजे आना है, 6 बजे ऑफिस बंद होगा। तो ऑफिशियल एक्सरसाइज अथॉरिटी विद इम्पर्सनल रूल्स, लॉयल्टी एक्सप्रेस्ड, फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अब आपको कार्य दे दिया है, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए हैं, आप कितने लॉयल हैं ये दिखाई देता है कि आप कितनी अच्छी तरह जो भी नियम कानून है योजनाओं को ग्राउंड पे लगा रहे हैं, क्या इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, क्या जनता की जनता दरबार में सुन रहे हैं, क्या तहसील दिवस में जा रहे हैं, क्या या पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं, क्या जितने भी नियम कानून दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या वो आपकी लॉयल्टी, आप कितनी अच्छी तरह उसको कर सकें। अपॉइंटमेंट एंड जॉब प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपका अपॉइंटमेंट तभी होगा और जॉब प्लेसमेंट तभी होगा जब आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी, प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद आप एलबीएसएनए में जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की कार्यभार दिया जाएगा, कुछ साल के बाद आपको 1-2 साल के बाद सीडीओ का पद दे दिया जाएगा, फिर आपको और जब थोड़ी और नॉलेज होगी फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा आपको। तो अपॉइंटमेंट एंड जॉब प्लेसमेंट डिपेंड ऑन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपने बकायदा मेरिट बेस्ड परीक्षा पास करी है तब आप एलिजिबल हो पाए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसके अलावा आप कुछ और नहीं करेंगे, इसके मतलब है आप इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेसर भी बन गए हैं और साथ में ब्यूरोक्रेट्स भी बन गए हैं या टीचर भी बन गए हैं, मतलब ऑनलाइन बन लेना वो अलग बात है, सरकारी में नहीं बन सकते। वर्क रिवॉर्डेड, रेगुलर सैलरी होगी, प्रमोशन होगा, आपको सैलरी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, आईएएस होंगे, सो आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कुछ साल के बाद आप कमिश्नर बन जाएंगे। क्लियर कट हायरार्की ऑफ ऑफिशियल है, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, ये एडीएम है, एडीएम मान लीजिए ये एफएनआर है, फिनेंस एंड रेवेन्यू है, ये एडीएम एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद ये सारे के सारे एसडीएम हैं, इनके नीचे तहसीलदार हैं और सो एन एंड सो फोर्थ। सब्जेक्टेड यूनिफाइड कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी सिस्टम है, इन सब के ऊपर जो सर्विसेज रूल्स हैं वो लागू हो रहे हैं, यूनिफाइड सिस्टम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि बिना छुट्टी के भाग जाएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लेट आएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो एडीएम हो या डीएम हो, होगी। सो सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इम्पर्सनल ऑर्डर है, मतलब व्यक्ति से नहीं, पर्सन से नहीं, पोस्ट से आपकी पावर ड्राइव हो रही है। बहुत सारे रूल्स हैं जो लिखे हुए हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1964, ठीक है, रेलवे एम्प्लॉयज के लिए अलग रूल हैं, पुलिस सर्विसेज के अलग रूल हैं, सेंट्रल सर्विसेज के अलग रूल हैं। स्फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस, आपको कोई कार्य करने को दिया जाएगा और उसमें आप में महारत हासिल होगी, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेंगे तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बनेंगे, आपका ये स्फेयर है कॉम्पिटेंस का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आईपीएस की भी भूमिका निभालेंगे, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में फिर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर भी बन जाएंगे और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर भी बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आपको स्फेयर है, ये कॉम्पिटेंस है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कार्य करना। हायरार्की है, बहुत सारे लेयर्स हैं, ये देखने को मिलती है। सेपरेशन ऑफ पर्सनल और पब्लिक एंड्स हैं, मतलब जो जैसे रेवेन्यू आ रहा है, आप रेवेन्यू कलेक्टर होंगे तभी पोस्ट का नाम कलेक्टर रखा गया है। रेवेन्यू जो आ रहा है, लेटर सपोज ये 100 करोड़ रेवेन्यू, तो इसमें से 1 करोड़ ये नहीं कि अपने पास रख लिया, नहीं, पब्लिक एंड्स और पर्सनल एंड्स अलग अलग हैं। रिटन डॉक्यूमेंट के आधार पर हर कार्य होता है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट खड़ा है, हर कार्य रिटन डॉक्यूमेंट के आधार पर होता है। यहाँ पर एक जो साइड में बैठी हुई महिला है वो ये कह रही है कि देखो भैया मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा मांग रही हूँ
पैसे वैसे, पर मैंने सारे रूल फॉलो कर लिए हैं, साइड में बैठी हूँ, अपना गंदगी नहीं फैला रही हूँ, ये ब्यूरोक्रेट वो देख रहे हैं। तो रिटन डॉक्यूमेंट है, मोनोक्रोमेटिक टाइप है, मोनोक्रोमेटिक। अब देखिए इनकी एक ही आँख है तो ये मोनोक्रोमेटिक हो गए, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक का कार्य ये है कि इनके अलावा कुछ कार्य ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अलावा कोई नहीं कर सकता, जैसे पुलिस, प्राइवेट सेक्टर की कोई पुलिस भारत में नहीं है, आर्मी, प्राइवेट सेक्टर की कोई भारत में आर्मी नहीं है, या रेवेन्यू कलेक्शन, भारत सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कोई प्राइवेट नहीं है। ये सारे के सारी चीजें केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही हो रही हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी की ये तो बात हमने करी, पर इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। क्या है क्रिटिसिज्म? वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका जो मॉडल है आइडियल कंस्ट्रक्ट था। वो जहाँ रह रहे थे, जहाँ पले बड़े थे, जर्मनी और जगहों पर, जिस समय में थे 1864 से 1920 के बीच का उनका एक व्यू है। पर ये व्यू एक बहुत ही वेस्टर्न व्यू है, लिमिटेड व्यू है। क्या ये व्यू दुनिया में हर जगह लग सकता है? क्या ऐसा ही चीज़ें भारत में भी या अन्य डेवलपिंग कंट्रीज में भी होना आवश्यक है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, राइट? तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि वेबर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म मेनली ऑन द थ्री पॉइंट्स, द रैशनैलिटी इन हिज मॉडल। सो रैशनैलिटी की जो बात करी है, कि रैशनैलिटी जो बात करी है यहाँ पर, यह है कि कितनी रैशनैलिटी हो सकती है? क्या हर जगह रैशनैलिटी हो सकती है? क्या आप हर जगह रीजन से काम कर सकते हो? नहीं। और क्या बहुत सारी चीजों में केवल और केवल रैशनैलिटी, रीजन, नॉलेज नहीं काम करती? ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी या बिहेवियरल एस्पेक्ट भी काम करता है। सूटेबिलिटी, क्या ये अभी ये जो थ्योरीज बनी हैं इनकी ब्यूरोक्रेसी की, ये वेस्ट में, मतलब पाश्चात्य देशों में बनी है, वहाँ का सिस्टम बहुत अलग है, भारत जैसी जगह पर बहुत अलग सिस्टम है। सो सूटेबिलिटी, डिफरेंट प्लेसेस एंड चेंजिंग टाइम्स। सो अगेन 1864 के बाद से, तो इनकी थ्योरीज अगर ये पैदा हुए थे तो मेनली थ्योरीज आई हैं इनकी 1890s में और 90s के शुरू में। तो अभी तो बहुत साल हो गए हैं, अब आप देख रहे हैं 123 साल तो यहीं से हो गए हैं। तो आर दे रेलेवेंट? नो, नाउ वी आर डूइंग वर्क्स विच आर टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू वॉट ब्यूरोक्रेसी यूज टू बी। इफ मॉडल कैन अटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी एज विजुलाइज्ड बाय वेबर। सो यहाँ पर जो वेबर कहते हैं कि भाई देखिए, ब्यूरोक्रेसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये मैक्सिमम बेनिफिट ला सकती हैं, और अगर आपको उस समय के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं है, क्योंकि जो बाद में थ्योरीज आई हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि केवल केवल रीजन, रैशनल और जो मानवीय भाव है, ह्यूमन एस्पेक्ट, सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर करना, देखने को मिलता है कि लोगों का कार में ज़्यादा करते करते बर्नआउट होने लगता है, वहाँ पर लोग डीमोटिवेटेड होने लगते हैं, एब्सेंटिज्म बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ को वेबर का जो मॉडल है फैक्टर इन नहीं कर पाया। रॉबर्ट मर्टन ने कहा है, ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट के मर्टन, नाम याद रखिएगा, क्रिटिसिज्म में क्वेश्चन द रैशनैलिटी ऑफ द लीगल रैशनल मॉडल। उन्होंने कहा कि ये जो लीगल रैशनल मॉडल है, ये अपने आप में डिसफंक्शनलिज्म लाता है, मतलब बहुत हायरार्की हो जाती है, लोग नियम कानून मानने में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, ना कि जनता की भलाई में। कि नहीं भाई, मैं मर रहा हूँ सर, अरे नहीं, पर तुम योग्य नहीं हो इस योजना में, तो तुम मर जाओ, पर हम तुम्हें बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर स्पेशली इस हायरार्की एंड रूल्स जनरेट कॉन्सिक्वेंसेज अनएक्सपेक्टेड डेट्रीमेंटल होते हैं। तो ज़्यादा रूल्स पे और ज़्यादा जो हायरार्की पे ध्यान रखने में चीज़ें स्लो हो जाती हैं, और जो जो चाहा गया था उसके अनुसार नहीं होती है। ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने कहा, रॉबर्ट मर्टन ने कहा, ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंसी लाती है। आप देखिए, भारत में किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, तहसील में जाइए, कलेक्ट्रेट में जाइए, आपको कैसा माहौल मिलेगा? वहाँ पर यही सुनने को मिलता है पुलिस ऑफिस में, तहसील में, कलेक्ट्रेट में, कि घोटाला है, हर जगह पर पैसा चल रहा है, बहुत देर से काम होता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्यों है? परमानेंसी ऑफ जॉब है, सिक्योर है लोग, ब्यूरोक्रेसी की ऐसी ही नेचर है। तो फिलिप सेल्जनिक सब यूनिट, अब फिलिप सेल्जनिक ने कहा, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पर उसमें हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है। ये जो सब यूनिट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी, ये अपनी अपनी एक टारगेट बना लेती हैं,
और ये जब अपना टारगेट बना लेती हैं, ये टारगेट पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भिन्न हो जाता है, बल्कि अगेंस्ट हो जाता है। तो उन्होंने इसको कहा कि सब यूनिट्स अपना टारगेट बना लेती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस में, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनसफिशिएंट है। सो केवल ऐसा नहीं है कि लोग केवल और केवल फॉर्मली ही इंटरेक्ट करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आपने हायरार्की मैंने आपको बता दी है, देख ली है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम, यहाँ पर जो आपस में बातचीत हो रही है केवल और केवल नियम कानून के थ्रू, केवल और केवल रिटन डॉक्यूमेंट्स में होती है, तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं। कई बार जब दोस्ती यारी समझ, साथ में बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो एक टीम बनती है। यहाँ पर कहीं भी नियमों में नहीं लिखा हुआ है कि शाम को बैडमिंटन आईपीएस अधिकारी और डीएम साहब साथ में खेलेंगे, पर उससे एक कमराडरी बनती है, एक दोस्ताना बनता है, और उसका संबंध बेहतर गवर्नेंस से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलता है। सो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनसफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ग्रुप बन जाते हैं, वहां पर दोस्तियां हो जाती हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है काम करने के लिए। और ये हाउ ब्यूरोक्रेट्स विल इनफैक्ट बिहेव, ये पता करना केवल और केवल नियम कानून से संभव नहीं है। ऑफिशियल्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक एज सोशल बीइंग्स। दोस्ती आईपीएस और आईएएस अधिकारी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, आपसी समझ हो गई है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो कार्य बहुत अच्छी से हो सकता है। तो लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन फिलिप सेल्जनिक की किताब है, यहाँ से बस फिलिप सेल्जनिक का आपको नाम याद रखना है, ज़्यादा नहीं। टेलकट पार्सन है, एक बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, और क्वेश्चंस द इंटरनल कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू बी टेक्निकल सुपीरियर। इंटरनल कंसिस्टेंसी को क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे आप इमेजिन करिए कि ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं और ये बीए और एमए करके आए हैं, या ये इन्होंने बीएससी और एमएससी कर लिया है, ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इनको ट्रेनिंग मिल गई है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो एग्जैक्टली बता सके, पर यहाँ पर ग्राउंड पे काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे लेखपाल हैं या फिर आपके अमीन हैं जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करते हैं, इनके सारे टेक्निकल काम डीएम साहब को नहीं पता है। सो इनको हायर ऑफिशियल्स को टेक्निकलिटी नहीं पता होती है, और नीचे वाले को प्रिंसिपल्स या फिर फिलोसफिकल बैकग्राउंड या नियम कानून क्यों लगाए जा रहे हैं ये नहीं पता होता है। कई बार दिक्कतें हो जाती हैं कि यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति अब किसकी बात माने, क्या वो बीटेक व्यक्ति की बात माने या इरिगेशन के इंजीनियर की बात माने या डीएम साहब की बात माने। सो जो स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होता है उसके पास ये दिक्कत होने लगती है। पीटर ब्लाउ कह रहे हैं मॉडल कैनॉट बी अप्लाइड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड टाइम्स। वेस्टर्न सोसाइटी में डेवलप हुई पुराने समय के अनुसार डेवलप हुई थ्योरीज हैं, हर जगह पर नहीं लागू हो सकती हैं। फ्रेश दोबारा से देखा जाना जरूरी है। चेंजिंग एनवायरनमेंट में अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन परपेचुअल चेंज इन द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसे ब्यूरोक्रेसी लागू होगी? आज तो ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के काम कर रही है, गिग इकोनॉमी है, वहां पर तो ब्यूरोक्रेसी कार्य है ही नहीं। एफिशिएंसी कैन नॉट बी गारंटीड बाय रिजिड रूल्स, जो बिल्कुल लिखित रूल्स हैं उनसे एफिशिएंसी नहीं आता है, बल्कि उससे तो ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजीज आती हैं, मतलब रेड टेपिज्म है, डिलेज आते हैं। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, इंडिविजुअल इज अलाउड, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं अगर इंडिविजुअल को जो पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उससे अलाइन करने का मौका मिले। रॉबर्ट प्रिस्थस कह रहे हैं मॉडल मेक्स इम्प्लिसिट अजम्पशन अबाउट ह्यूमन मोटिवेशन। तो यहाँ पर जैसे बात करी गई है, वहां पर बताया गया था कि जी सैलरी मिलती है, अब ये रॉबर्ट फ्रिस्थस कह रहे हैं कि क्या केवल केवल सैलरी से ही मोटिवेट होता है? कई बार ऐसा होता है कि आपको सैलरी के अलावा भी कुछ चाहिए, जैसे भारत जैसी जगहों पे लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में कि उनको पैसा चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में लोग इसलिए जा रहे हैं कि उनको रुतबा चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी ब्यूरोक्रेसी में जाना नहीं चाहता है, ब्यूरोक्रेट का मतलब है इनएफिशिएंट पर्सन वहां पर। इंडिया में ब्यूरोक्रेट का मतलब है बहुत पावर होगी, आप समझिए, ठीक है। तो केवल और केवल जो इन्होंने सोचा है वेबर ने, वैसा नहीं है, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में चीजें अलग हैं। विलियम डेनेल्बी, पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी कंड्यूसिव अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज। इन्होंने कहा कि देखिए ये
जो ब्यूरोक्रेसी है, माई बाप कल्चर वाली जो ब्यूरोक्रेसी है पेट्रीमोनियल की, हम तुम्हारे लिए सहायता करेंगे, लोगों को ये मानना कि हाँ तुम्हें नहीं पता है पर हम तुम्हारे लिए सहायता करेंगे, ये अपने आप में अंडर डेवलप सोसाइटीज के लिए तो सही है, डेवलप सोसाइटीज के लिए सही नहीं है, वहां पर बहुत इंपावरमेंट हो चुका है। रशियन और चाइनीज मेथड मोर एफिशिएंट देन वेस्टर्न ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटी। तो डेवलपिंग सोसाइटीज में जैसे भारतीय है या फिर चाइनीज सोसाइटी है, वहां पर हमारे यहाँ के जो मॉडल है वो ज्यादा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू आपके जो मॉडल आपको दिखाई दे रहे हैं वेस्टर्न के और भारत जैसी जगहों पर लाए गए हैं। सो ला पलम्बारा कह रहे हैं दैट ब्यूरोक्रेसी हैविली इनकम्बर्ड बाय वेबरियन नॉर्म्स मे बी लेस एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। यहाँ पर इकोनॉमी जो अब मार्केट सिस्टम है वहाँ तो ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह फेल है, ज्यादातर भारत सरकार की पीएसयूज जो हैं पूरी तरह फेल हैं, मतलब कामयाब हैं पर वही कामयाब हैं ज्यादा जहाँ पर मोनोपोली है उनकी, अगर मोनोपोली हटा दी जाए तो उनका भी हाल बीएसएनएल जैसे और एयर इंडिया की तरह हो जाएगा। सो इन अ प्लेस लाइक इंडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टीप्ड इन ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज मे बी लेस यूजफुल एज अ डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर देन दोज हु आर सो रिजिडली टाइड टू द नोशंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस हायरार्की और इम्पार्शियलिटी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट में लोगों को रोजगार देने में या फिर चेंज मार्केट के अनुसार प्राइवेटाइजेशन करने में फेल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सालों से जैसे 1861 का एक्ट है, पुलिस एक्ट है, 1872 का एविडेंस एक्ट है, उससे ही कार्य हो रहा है। तो लोगों को ऐसा हो गया है कि नियम कानून के अनुसार जटिलताएं आ गई हैं। वेबर सजेस्टेड सर्टेन मैकेनिज्म फॉर लिमिटिंग द स्कोप ऑफ सिस्टम्स ऑफ अथॉरिटी। अब वेबर को ये भी पता चला कि जो उन्होंने मॉडल बनाया है और जो अथॉरिटी वाली बात करी है, लीगल रैशनल अथॉरिटी में तो बहुत ज़्यादा पावर भी लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास इतनी अनलिमिटेड पावर हो जाती है कि वो उस पावर का जब उपयोग करते हैं तो उससे दिक्कतें पैदा होती हैं। अब इस चीज़ को अगर रोकना है, चैलेंज करना है तो क्या करें? तो उनको ये लगा कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है जो मैंने सजेस्ट किया है, तो इसमें मैं कुछ और भी चीज़ें सजेस्ट करता हूँ जिसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब ये क्या थे? दीज मैकेनिज्म फॉल इनटू फाइव मेजर कैटेगरीज। कॉलेजियलिटी, उन्होंने कहा कि जब भी एक व्यक्ति डिसीजन लेता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस पावर को हम क्या कर दें, कमीशन या बोर्ड जैसी चीज़ें बना दें, बोर्ड या कमीशन कमिटी जैसी चीज़ें बना के जब कार्य होता है तो वहाँ पर मल्टीपल एस्पेक्ट आ जाते हैं और ये इंडिविजुअल को जो उसके पास अनलिमिटेड पावर है या लार्ज अमाउंट ऑफ पावर है उसकी पावर को लिमिट करते हैं। इसीलिए बहुत जगह पर आपने देखा कि इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि कमिटी या कमीशंस के थ्रू कार्य होता है। तो इस प्रिंसिपल को कॉलेज से आया है, कॉलेज से मतलब ग्रुप फ्रेंड्स और कॉलेजियलिटी जहाँ पर लोग ग्रुप के थ्रू चीज़ें होती हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करी जाए तो सारी की सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास ना हो, कुछ ऐसा हो कि कंट्रोल इस्टेब्लिश हो सके। जैसे ब्यूरोक्रेसी में अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को काम करना है, उनके पास जो पैसा आता है वो बजट सरकार जब पास करती है तब आता है। ये जो बजट है ये फिनेंस मिनिस्ट्री ने पास किया है, डीएम साहब के पास अधिकार था ही नहीं। तो अब बजट को ढंग से यूज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर क्या होगा कि कोई भी अगर चीज़ें ऐसी नहीं मैनेज होंगी फिनेंस में तो सरकार पूछेगी, प्रश्न पूछेगी और कोई भी गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर बात करी गई कि ऐसा क्यों ना कर लिया जाए कि जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ हम ऐसे लोगों को लाएं जो कि प्रोफेशनल किसी और जगह है। एक तरीके से लेटरल एंट्री की बात करी गई है, तो लेटरल एंट्री को लाया जा सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी राइट टू रिकॉल एक चीज़ होती है कि यदि कोई अधिकारी है और हमें पसंद नहीं है तो लोगों ने वोट किया कि हमारे यहाँ से अधिकारी हटाया जाए, पर ऐसा भारत में तो नहीं है। पर इसके थ्रू जो ब्यूरोक्रेट्स अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं उसको मैनेज तो किया जा सकता है। ये इनके सजेशंस हैं, आपको ध्यान रखना है, ऐसा है नहीं, दीज आर सजेशंस। रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि कोई भी कार्य जब कर रहे हो, सो वट एवर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ओवर हियर बिकॉज इन मॉडल देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। It is for your imagination to connect the concept with district magistrate, district administration.
तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो कार्य कर रहे हैं और साथ में वहां के एमएलए भी कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई भी कार्य जो काम है वो केवल और केवल ब्यूरोक्रेटिक स्तर पे ना हो, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए हो गए, एमपी हो गए या फिर आपके जिला पंचायत के सदस्य हो गए, इन लोगों के द्वारा भी वो बैग्ड हो, इस तरीके से काम करा जाएगा, तो इसको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेशन। ये उन्होंने कहा, ये कुछ सजेशंस दिए। सो द नेक्स्ट कॉलर इन द सेक्शन इज वुड्रो विल्सन। सो लेट अस टॉक अबाउट वुड्रो विल्सन। सो थॉमस वुड्रो विल्सन वॉज बॉर्न इन वर्जीनिया यूएसए, स्टडीड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड लॉ। वुड्रो विल्सन इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनसे पहले बहुत सारे जो काम हुए हैं, जैसे कैमरलिस्ट हैं इन जर्मनी, या द प्रिंस है मैकियावेली की, या उससे भी पहले गवर्नेंस से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ काम होते रहे हैं। वी डू हैव सम वर्क डन बाय प्रायर टू हिम बाय द स्कॉलर्स, बट टू क्लेम दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस आर टू डिफरेंट थिंग्स वॉज समथिंग दैट वॉज अ गेम चेंजर वेन इट कम्स टू the identity of a discipline of public administration as a separate identity from its mother discipline, that is political science. His seminal work, the paper, the essay he wrote, The Study of Administration, set the tone for public administration being identified as something or claiming to be different as compared to political science. So he was also one of the USA president and also Nobel laureate for his efforts to establish League of Nations and post World War I efforts to have peace around the European continent. So essay is regarded as the beginning of public administration as a specified study. Wilson was also governor, a politician, a doctorate professor, public policy, political science, public administration. So he was also president of USA, as I have already mentioned, recipient of Nobel Prize, outstanding professor of political science, administrative scholar, a historian, educationist, reformer, and statesman, a big leader. So his essay, The Study of Administration, you have to remember this in particular, you have to write it. So in his essay, he has written that there was a condition of maladministration, बहुत सारा corruption था, spoil system काम करता था। Spoil system का क्या मतलब है? Spoil system है एक, जिसको हम nepotism बोल सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके का nepotism है, या आप imagine करिए कि let us suppose कोई, ये एक राज्य है, this is a state, province, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी है एक्स और वाई अलग अलग, यहाँ पर राज्य के लेवल पे एट द स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, यू हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला अध्यक्ष एंड राज्य अध्यक्ष, ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते थे, जब वो सरकार में आती थी पॉलिटिकल पार्टी तो उसके थ्रू वो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट SSP होते हैं, वहां पर उस समय उन पोस्ट पे विराजमान हो जाते थे, एंड दे यूज्ड टू स्टे इन पावर एज अ एग्जीक्यूटिव फॉर ओनली टाइम टिल द पार्टी वाज इन पावर। फॉर एन एग्जांपल, इन यूएसए यू हैव अ टेन्योर ऑफ 4 years फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। नाउ समबडी हु हैज बीन एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंट अर्लियर इन हिज पॉलिटिकल कैंपेन वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ द प्रॉब्लम with this spoil system was that it was not based on meritocracy, number one. So legal rational aspect of Weber does not follow. Number two, it was only for the short time period people were coming. So wo ye sochte the ki 4 hi saal ke liye to aaye hain, kyun na bahut sara corruption kar le, kyunki uske baad to pata nahi agli sarkar aaye ya na aaye. Is tarike ki jo pravrtiyan thi uski wajah se hame ye dekhne ko milta hai ki wahan par bahut sara corruption tha. So spoil system introduces by President Andrew Jackson के द्वारा था, इसकी वजह से बहुत बड़ा एक corruption वहाँ पर मुद्दा था। So यहाँ पर Woodrow Wilson कह रहे हैं कि देखिए इससे तो काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें तो परिवर्तन करनी पड़ेंगी, कि there is a need to reform the government,
it should be in the field of public administration. The reform should be in the field of public administration to make it more efficient, behtar banane ke liye. Development of science of public administration as an appropriate cure. Ab inhone kaha ki abhi tak, whatever is happening in America, we are not scientific enough. We do not compare the things. We do not take innovative aspects which are happening in around the world at different places, other like continent of Europe. We do not consider those ideas. And we need to make public administration scientific. What does it mean? It means comparison. It means data specific. It means some principles, some fundamental rules have to be devised. Kyunki science kya hoti hai? Science mein koi bhi cheeze jo hum test karte hain, wo ek jagah par, is kamre mein, aapke ghar mein, ya phir kahin aur, same conditions agar prevail kar rahi hai, to result same aana chahiye. Aisa tha nahi. Haphazardness thi, randomness thi. Usko unhone kaha, there should be science of administration, public administration. So administrative science ki jab wo baat kar rahe hain ki science of administration, administration is a science. एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है. अगर साइंस है तो हम कुछ फॉर्मूला डिवाइज कर सकते हैं, हम इसको कैलकुलेटिव बना सकते हैं और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी डाइवर्स प्लेसेस पे. और डाइवर्स प्लेसेस पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट्स जो हैं नियर बाय सेम आने चाहिए, क्योंकि ये साइंस है, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन डिप्राइव्ड ऑफ साइंटिफिक मेथड, ऐसा मानना था वुड्रो विल्सन जी का. First developed in Europe. So this scientific ways were developed in Europe, like Cameralist in Germany. वहाँ के जो public administration के scholars थे उनको Cameralist बोला जाता था. Germany. So it is difficult to organize administration in democracy than monarchy. अब यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि डेमोक्रेसी में जहां पर इतने ज्यादा पब्लिक प्रेशर है, जहां पर हल्ला गुल्ला है, वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना बहुत मुश्किल है. आप भारत में ही देख लीजिए, अगर इसको रेप्लिकेट करके इस आइडिया को, सो आप भारत में देखेंगे कि अगर रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, इट मीन्स इफ वी वॉन्ट लैंड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, यू विल सी इट इज अ हेडेक फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. It is very difficult and one of the most contentious thing in India when it comes to projects of infrastructure is, and problem area is, that land acquisition is very costly. It takes time and it is full of litigations and other issues are there. Law and order issue also develop. So why does it happens? Because we have too many voices. So such kind of thing he was also talking about, that in monarchy in Europe, what is said by the monarch becomes the law. But in America, in 90 decades of 1900s and last decades of 1890s, this period was basically a period of where too many voices were there, but public administration was not sufficient, not scientific. So popular sovereignty an obstacle. So the popular sovereignty का मतलब है लोगों के पास जो ताकत है पॉलिटिक्स की वजह से वो दिक्कत भरी है, ऐसा इनका मानना था. So we are having now what we never had before, the science of administration. So while writing in his essay, he is talking that now we can have science of administration because we can compare the things, we can calculate the basic principles of administration. So, science of administration is the latest fruit of study of science of politics. So, science of politics related to the sheer power is there, but the latest fruit is science of public administration. It means political science and public administration were linked earlier times. Now, from political science, latest thing that is happening in is that public administration is becoming scientific. Administration has to be responsive to the public opinion. Over here, we got then an idea that maybe Woodrow Wilson is having a very negative image of people participation. Having said that, he also had a very different view about the things, equally opposite view.
उनका ये मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक ओपिनियन के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनता जनार्दन की बात ना सुने या उनके खिलाफ कार्य करने लगे। Unless a nation is stop tinkering with constitution, it is difficult to concentrate on administration. यहाँ पर उन्होंने बात करा, जैसे हमारे देश में भी ये लागू कर सकते हैं अगर चाहें तो। उन्होंने कहा कि ज़्यादा नियम कानून बनाने से, ज़्यादा अमेंडमेंट लाने से कोई भलाई नहीं होने वाली है जब तक कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से लागू ना कराएं। So in our country also we have fabulous laws, but the only problem is that we do not have application of law in that fabulous way. We have dearth of good execution examples. We may have very good laws. Our legal system may have very good laws. Philosophically, we may sound. But we also know more than 5 crore people, 5 crore litigants are waiting for justice because more than 5 crore cases are there in all of the judiciary in India. तो जब तक हमारा ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन बदलने पे रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ज़्यादा अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है एडमिनिस्ट्रेशन पे। फिर उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेमवर्क। क्योंकि समय समय पर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है। आपको पता है लगातार चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में भी हो रहा है, ऐसे अमेरिका में भी हो रहा था उस समय। सो उसमें ज़्यादा पावर लग जाती है। और इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने से ज्यादा मुश्किल है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। इसका मतलब कि इट इज इजी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रॉब्लम यही है कि जब उसको लागू कराने की बात आती है तो दिक्कत होती है। जैसे भारत में फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता है, पर क्या फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हुए हैं? क्या ग्रामीण जनता या ट्राइबल आदिवासी समाज या और भी तो तबके हैं, इवन विमेन, बहुत सारे लोगों के साथ तो एक तरीके से पूर्ण उनको राइट्स नहीं मिले हैं। या गवर्नेंस में लैक तो है। आप अगर फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ऑफिस में जाएंगे, पुलिस में, तहसील में जाएंगे, आपको भर भर के करप्शन मिलेगा। आज भी करप्शन मिलेगा, काम करा के आप कोई भी देख सकते हैं। सो इसीलिए कहा कि फ्रेम करना आसान है, चलाना मुश्किल है। To him, public administration is detailed and systematic execution of public law. तो कोई भी public law है, जो कोई भी हमारे यहाँ भी जैसे law बनता है, जैसे Motor Vehicle Act है। So Motor Vehicle Act को detail way में सड़क पे लगाना, लोगों का चलान करना, यही public administration है। Study of administration is closely connected with the study of proper distribution of constitutional authority. So constitutional authority जो है, execution से related है, जुडिशरी से रिलेटेड है, लॉ मेकिंग से रिलेटेड है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मिलेटेड है, यही है। ये अथॉरिटी कैसे नीचे तक दी जाती है, तो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आगे यहां पर आपको एक ऑफर, एक प्रपोजिशन है कि हमारा बैच 29th ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहाँ पर यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग मिल रही है। 1 to 4 हमारी पीएम रोजाना क्लासेस होती हैं, इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, जो कि बहुत सारी बुक से सोर्स करते हैं ताकि आपको इधर उधर बुक्स में झांकना ना पड़े। इसके अलावा आपको जो मिलता है वो है 12 टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 4 टेस्ट हैं सेक्शनल, सॉरी 8 टेस्ट हैं सेक्शनल और 4 हैं फुल लेंथ टेस्ट। इन टेस्ट को हम क्लास में डिस्कस भी करते हैं, साथ में इन टेस्ट का आपको आंसर्स भी मिलेंगे जो कि होंगे आपके मॉडल आंसर्स। इसके अलावा EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, और साथ में इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जर्नल है, वहां से बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स भी क्लास में डिस्कस होते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। सो डाउट क्लियरिंग सेशन,
और साथ में सबसे महत्वपूर्ण आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग मैं मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी ताकि आप आंसर राइटिंग बिल्कुल स्क्रैच से सीखें। ऑल इन ऑल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑफर है ये, आपको ऐसी लाइव कोड यूज करने पे और भी सस्ते दामों पे मिल सकता है, विच इज जस्ट 15,999। सो डू रिमेम्बर ऐसी लाइव कोड, डू रिमेम्बर इट इज 29th of December, हरी अप सो दैट यू कैन अवेल दिस बेनिफिट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अ हायर नोट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एक छोटा सी चीज देखने को मिल रही है, इससे आप याद रखिएगा, ये है पॉलिटिक्स, यहाँ पर नियम कानून बनते हैं, कांग्रेस राइट अमेरिका में, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ अमेरिका में रायट्स हो रहे थे, बहुत रायट्स हुए हैं अमेरिका में, अमेरिका में आज भी रायट्स होते हैं ब्लैक्स वाइट्स के बीच में, और अभी रिसेंट समय में आप देख रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ लोगों का हो रहा है, राइटिंग सिचुएशन है, इंडिया ही नहीं बहुत जगह पर होते हैं, ये राइट्स को कम करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, डायकॉटमी है, डायकॉटमी का मतलब एक शिज्म है, एक अलगाव है, सो दीज आर डिफरेंट, डायकॉटमी की बात करी इन्होंने, इनका बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। सो ऑल्दो ही प्रेफर्ड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, बट हिज व्यूज ऑन दिस डू नॉट अपीयर टू बी वेरी क्लोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डायकॉटमी, डायकॉटमी का मतलब है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलग अलग चीज हैं, दोनों एक चीज नहीं है, ये अलग जीनस है, अलग ही चीज है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन, राइट, सो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिक्स ना करें, पॉलिटिकल लोगों का काम है लॉ बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन काम है स्पेशलिस्ट का, ये इनका मानना था। सो ये तो इनका मानना था, पर कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि मिक्स भाव देखने को मिलता है इनके, आपके जो भी स्टेटमेंट ये देते हैं, कहीं कहीं पर इन्होंने कहा है कि बिना पॉलिटिक्स के तो एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं सकता है, बिना पॉलिटिक्स के तो एडमिनिस्ट्रेशन डिवॉइड ऑफ वैल्यूज हो जाएगा, केवल और केवल बहुत ही फैक्ट और वैल्यूज से नेकेड हो जाएगा, अब कोई वैल्यूज ही नहीं होंगी, वैल्यूज का मतलब है सेट ऑफ प्रेफरेंसेस, इक्वालिटी, स्पेशल रिजर्वेशंस जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी चीजें नहीं होंगी। सो दिस इज क्लियर व्हेन ही एक्सप्लेन्स द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। सो देयर इज, जो व्यूज हैं उनके क्लियर नहीं है, कहीं कहीं पर वो डायकोटमी की बात करते हैं, कहीं कहीं पर उससे भिन्नता आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, डायकोटमी तो है, एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई देखो कि इंटरडिपेंडेंस भी है और इंटीमेट, बहुत ही घने और घनिष्ठ रिश्ते हैं आपके पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, ये इन्होंने बात करी, राइट। सो ही सेड एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इट्स कनेक्शन विद द अदर ब्रांचेस ऑफ पब्लिक लॉ विदाउट बीइंग डिस्टॉर्टेड एंड रॉब ऑफ इट्स ट्रू सिग्निफिकेंस। मतलब यहां पर है कहने का, इसका जो एक लब्बो लुआब है स्टेटमेंट का, द क्रक्स इज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड विद पॉलिटिकल साइंस और अदर पब्लिक लॉज, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू डू दैट वी विल बी रॉबिंग इट, डिस्टॉर्टिंग इट and robbing it of its true significance. ये ध्यान रखने योग स्टेटमेंट है। सो यहां पर अगला जो बात करते हैं, एट अदर प्लेसेस ही आर्ग्यूज, एक तरफ ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता है, दूसरी तरफ देखिए डायकोटोमी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट से। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स आर सेपरेट, administration lies outside the sphere of politics, so if this is politics, administration is here, this is administration, there is a clear schism in between them. Administration questions are not political questions. Political questions kya hai, politicians ko political questions ka matlab hai ki logo ki jo unke voter hain unki baat manni hai, unke anusar behave karna hai, tabhi politicians, Mohit Bhattacharya bhi likhte hain, पॉलिटिशियन वेग स्टेटमेंट देते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं अपने स्टेटमेंट में, क्योंकि उनको पलटना कभी भी पड़ सकता है, पर एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। आपके, इन्होंने पहले ही कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक बनाने की जरूरत है, साइंटिफिक का मतलब है उसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए, वहां पर फैक्ट्स होने चाहिए और साथ में वहां पर एक क्लियरनेस होनी चाहिए,
यही इसका मतलब यही है कि पॉलिटिशियंस के लिए जो क्वेश्चन है वो उसके वोटर हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो इन लॉज को, बनाए हुए लॉज को इफेक्टिवली ग्राउंड पे लगाना उनके लिए बड़े क्वेश्चन की बात है। पॉलिटिक्स इज स्पेशल प्रोविंस ऑफ स्टेट्समैन, जो पॉलिटिशियन है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल। जैसे इंडिया में भी अगर बात करें, आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी एज डीएमएसएसपी, ये इनका काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य को करना, तो ये अपने कार्य में महारत हासिल करे हुए स्पेशलिस्ट हैं। साथ में पॉलिटिक्स का काम, पॉलिटिशियन का काम है पॉलिटिक्स करना, नियम कानून बनाना, वेग स्टेटमेंट देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभावने वादे करना, कुछ को पूरा करना, मूव ऑन करना, चुनाव जीतना। सो ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। सो ब्यूरोक्रेसी कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन होल सर्विस ऑफ द स्टेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल, इट्स चीफ एज वेल इट्स रैंक एंड फाइल, इट्स मोटिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स पॉलिसी, इट्स स्टैंडर्ड मस्ट बी ब्यूरोक्रेटिक। सो कह रहे हैं कि जब आप ब्यूरोक्रेसी तभी बनी रह सकती है जब आप इसे कॉमन पॉलिटिकल लाइफ से अलग कर लो। मतलब ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये ज्यादा इंटरफेयर ना करें जो दूसरा गोला है एडमिनिस्ट्रेशन में, ज्यादा इंटरफेयर ना करें, क्योंकि इसकी जो लीडरशिप है और रैंक एंड फाइल है, रैंक एंड फाइल होता है छोटे स्तर पे काम करने वाले लोग, मतलब ऑफिसर से जो नीचे काम करते हैं। सो चीफ, ब्यूरोक्रेसी का चीफ, एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ और रैंक एंड फाइल सभी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होने चाहिए, इनके स्टैंडर्ड अलग होने चाहिए, इनकी पॉलिसी अलग होनी चाहिए, इनके ऑब्जेक्टिव अलग होने चाहिए, और ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेटिक होने चाहिए। जब ये बात कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है कि रूल बेस्ड, जैसे हमने वेबर में पढ़ा है, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, लीगल रैशनल होना चाहिए, और इनका जैसे मानना था साइंटिफिक होना चाहिए। पॉलिटिकल क्वेश्चंस आर नॉट द क्वेश्चंस और ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो इट अपीयर्स दैट विल्सन वाज वेसिलेटिंग इन बिटवीन द सेपरेबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। सो सम ऑफ द स्कॉलर्स लाइक मॉशर हैज अ व्यू कि विल्सन मेड द मोस्ट विगरस स्टेटमेंट ऑन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी। इस पे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो विद स्ट्रेंथ जो स्टेटमेंट आया है विल्सन का ही आया है, ऐसा कहना है मॉशर। एफ डब्ल्यू रिक्स जो कि एक साला प्रिज्मेटिक साला मॉडल जिन्होंने दिया, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर रहे हैं, फॉर विल्सन नॉट ओनली पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर क्लोजली इंटरट्वाइंड बट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन आर स्कार्सली कंसीवेबल एक्सेप्ट एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरल पॉलिसीज। सो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन आर स्कार्सली कंसीवेबल, मतलब समझा ही नहीं जा सकता है उनको, एक्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरल पॉलिसीज, मतलब जनरल पॉलिसीज को जाने बिना, उनको लगाए बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को भी नहीं करा जा सकता है ग्राउंड पे लागू। So Wilson attempted to outline a coherent idea about politics and public administration and how each should be separate and yet work together. अब इन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने आप में ये क्या है, दो अलग अलग चीजें तो हैं, पर ग्राउंड पे तो इनको एक साथ ही लगाना होगा, सेपरेट येट वर्क टूगेदर, दोनों का अपना अलग डोमेन है पर एक साथ तो काम करना ही है। His idea was to impose efficiency of government operations by developing an administrative system free from political interference. सो ऐसा गवर्नमेंट ऑपरेशंस करने हैं और एफिशिएंसी लानी है कि ताकि वो डे टू डे जो कार्य है उसमें पॉलिटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस ना हो। विल्सन का आइडिया एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस के बारे में भी कुछ है, यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा क्लोज पाते हैं बिजनेस के। उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक बिजनेस, बिजनेस का कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स का और पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा रोल नहीं है, ऐसा कुछ उनके कुछ विचार हैं। तो देखते हैं क्या है। टू विल्सन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम हरी एंड स्ट्राइव ऑफ पॉलिटिक्स।
तो उनके अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है वो बिजनेस के फील्ड की जैसा है, जहाँ पर प्रोफेशनलिज्म है, जहाँ पर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके डेटा है उसके अनुसार कार्य होता है, वहाँ पर कोई भी पॉलिटिक्स का रोल नहीं होता बिजनेस के अंदर। हाँ, ओवरऑल मेटा पॉलिसीज टैक्सेस की वो सब बनाई जाती हैं, पर बिजनेस में किस क्लाइंट को सर्व करना है और डे टू डे ऑपरेशंस में पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बिजनेस की तरह है, बस यहाँ पर जो क्लाइंटेल है वो सरकारी दफ्तरों के द्वारा जिनको हेल्प करी जाती है वो सिटीजन्स हैं। तो ये हरी एंड स्ट्राइव ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में जल्दबाजी है और जो धक्का मुक्की है और जो एक टेंशन भरा माहौल है, उससे अलग है बिजनेस। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी उससे अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस एंड डज नॉट इटसेल्फ इन अ क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिक्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बिजनेस की तरह है और अपने को ये उलझा हुआ नहीं रखता है या प्रभावित नहीं होना चाहिए इससे पॉलिटिक्स से ज्यादा। तो बुशनर कह रहे हैं, स्कॉलर हैं, बेसिक प्रमाइसेस ऑफ विल्सन आर्गुमेंट वाज दैट स्टेट ऑफ पब्लिक अफेयर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर सिनोनिम विद द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी देखी जाती है और साथ में इफेक्टिवनेस देखी जाती है और साथ में आपकी इकोनॉमी को ध्यान में रखा जाता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये देखा जाता है, ऐसे ही उन्होंने कहा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे देखा जाता है वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए। जिन भी लोगों को केटर किया जा रहा है उनका सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, ऐसा मानना था इनका। वैल्यूज ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जैसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है और इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? इफेक्टिवनेस है, लेट अस सपोज आपको 100 लोगों को कोविड का वैक्सीन लगाना था पर आप 90 लोगों को लगा पाए, तो फिर भी आपकी इफेक्टिवनेस काफी बेहतर है। एफिशिएंसी है कि आप कितनी जल्दी लगा पाए, क्या आप नॉर्म्स के अनुसार लगा पाए, ये एफिशिएंसी है। और इकोनॉमी, आप कितने सस्ते पे लगा पाए। एफिशिएंसी, आप कितनी जल्दी लगा पाए, नॉर्म्स के अनुसार लगा पाए या नहीं, क्या 5 ही दिन में आपने कर दिया या 50 दिन लगा दिए। और इकोनॉमी, आप कितने कम पैसे पे लगा पाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक ओपिनियन की उन्होंने बात करी है। यहाँ आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग देख रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन है ब्लैक लाइव्स मैटर्स। इन्होंने कहा कि द क्वेश्चन इज दैट विच पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन शुड टेक इन कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक ओपिनियन की समस्या ये है कि पब्लिक तो बहुत कुछ मांगती है और बहुत कुछ जानती है और बहुत कुछ चाहती है, पर किस पब्लिक का पार्ट हम करें। अगर हम अपने ही देश में देख लें कि इतने सारे डिफरेंट व्यूज हैं लोगों के, तो हम किस किस को सेटिस्फाई करेंगे। इस बात पे वो चर्चा कर रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड। सो देयर इज रिक्वायरमेंट टू कंसिडर द पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन व्हाइल लॉज आर बीइंग एप्लीकेबल। हैविंग सेड दैट, किस पार्ट को करें, ये एक बड़ी दुविधा है। सो टू विल्सन, पब्लिक ओपिनियन टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑथोरिटेटिव क्रिटिक। सो पब्लिक ओपिनियन तो एक क्रिटिक का रोल ले लेता है जो गलतियां निकालता रहता है। बट द प्रॉब्लम इज टू मेक पब्लिक ओपिनियन एफिशिएंट विदाउट सफरिंग इट टू बी मेडलसम। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है सो गवर्नमेंट कम टू नो कि क्या उसके लॉज में या क्या उसकी पॉलिसीज में, एप्लीकेशन में, वेज मेथड्स में क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। बिल्कुल ठीक बात, परंतु ये इतना नहीं होना चाहिए कि ये मेडलसम बन जाए। मतलब हर डे टू डे ऑपरेशन में भी, हर छोटे छोटे विवादों में पब्लिक बहुत इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिविल सर्विसेज, विल्सन एडवोकेटेड सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन मैरिट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी। सो जैसा कि हमने चर्चा करी, वुड्रो विल्सन का ये मानना था कि सिविल सर्विसेज जो नेपोटिज्म और करप्शन से भरी हुई थी, एंड्रू जैक्सन जो प्रेसिडेंट थे उनके समय से चली आ रही थी, जो कि आपकी स्पॉइल सिस्टम था, उससे बेहतर, उससे ज़्यादा प्रोफेशनल, उससे ज़्यादा मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिविल सर्विसेज को देना का एक सुझाव इनका मानना था, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में बेहतर हो सकता है। सो विल्सन एडवोकेटेड सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन मेरिट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो भी चैलेंजेस हैं उनको अगर मेरिट बेस्ड हम
एप्लीकेशन करेंगे पब्लिक लॉज की, तो बेहतर ढंग से टैकल कर पाएंगे। ही अपोज्ड क्रिएशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इलीट नॉट सब्जेक्ट टू डेमोक्रेटिक कंट्रोल। अब कहीं कहीं पर जब हम डायकोटोमी की बात कर रहे हैं तो ऐसा जान पड़ रहा है कि ये तो टोटली ही पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको टोटल किसी से भी कंट्रोल या अकाउंटेबल नहीं रखना चाहते थे, पर ऐसा नहीं है। ये चाहते थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो दायरों में रहे। तो ही अपोज्ड क्रिएशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इलीट नॉट सब्जेक्ट टू डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक इलीट जो शब्द यूज करा है वो इसलिए यूज करा है क्योंकि जैसे जर्गन हैबरमास की भी थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी, तो ब्यूरोक्रेटिक इलीट जो है वो क्या होता है, बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण। ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। आप इमेजिन करिए ब्यूरोक्रेसी के पास पावर आ जाती है कि वो लॉकडाउन अनलॉक कर सकते हैं किस जगह को, अगर COVID-19 में, ये बहुत बड़ी पावर है। वो ट्रैफिक को मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो लोगों की घरों की चेकिंग ले सकती है पुलिस, तो ये तो बहुत बड़ी पावर। तो ब्यूरोक्रेटिक इलीट जो है, जो डिसीजन मेकर्स हैं टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको डेमोक्रेटिक कंट्रोल में होना मतलब पॉलिटिशियंस, या फिर आपके कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। तो तमिलनाडु में बलवीर सिंह नाम के एक IPS अधिकारी ने, एक साल लगभग पहले की बात है, बहुत ही नए IPS अधिकारी 2020 बैच के थे, उन्होंने वहां पर एक लोकल बंदे को तमिलनाडु में पंच मारा और उसके दांत टूट गए। ये मामला उठा तमिलनाडु की आपकी वहां की विधानसभा में, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है और अभी 2-3 दिन पहले ही उनके बारे में था, आप सर्च करिएगा बलवीर सिंह IPS अधिकारी, गिरफ्तारियां और उन पर कार्रवाई हो रही हैं। सो पॉलिटिशियंस अगर इन पर काबू नहीं रखेंगे तो ये अपने आप में, जो ब्यूरोक्रेटिक इलीट है अपने आप में एक तरीके से हेजमनिक हो जाएगी और विदाउट एनी कंट्रोल हो जाएगी। USA में अर्लियर देयर वॉज स्पॉइल सिस्टम, जिसकी हम बात कर चुके हैं। विल्सन फेल्ट दैट स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ पॉसिबल मेथड फॉर करेक्टिंग द पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ स्पॉइल सिस्टम। सो इनका जो ऐसे आया 1887 में, उन्होंने उसमें अपने भाव रखे हैं कि वो एक शुरुआत थी और उसमें एक करेक्ट मेथड था, जो जो मैंने प्रपोज किया है उससे चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, ऐसा उनको मानना, उनको लगता था। सो एज निकोलस हेनरी ऑब्जर्व, विल्सन फैसिलिटेटेड द एक्सपेंशन ऑफ एथिकल सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बियॉन्ड द कॉन्सेप्चुअल कॉन्फाइंस ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू द एंटायर इंटेलेक्चुअल टेरेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो उन्होंने, अब निकोलस हेनरी अनदर स्कॉलर फ्रॉम USA कह रहे हैं कि विल्सन ने जो करने का प्रयास किया वो लाए एथिकल सेंस। एथिकल सेंस का मतलब है क्या ड्यूटी है आपकी, लोगों की सेवा करना, सर्विस ओरिएंटेड, पार्टीशन ना रहना, इम्पार्टीशन तरीके से करना, इक्वालिटी बेसिस पे करना, एफिशिएंसी के साथ करना, बिना जिसको है बिना कंट्रोल लूज हुए ना करना, कोर्सिव मेज में ना करना, ये जरूरी है। सो उन्होंने केवल और केवल सिविल सर्विसेज पे नहीं बल्कि सारी सुविधाएं या फिर गवर्नमेंट के कार्य करने के जो चीजें हैं सारे ही चीजों में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इंटेलेक्चुअल टेरेन मतलब जो लिखा जा रहा था, जो बोला जा रहा था, जिस किताबों को लोग पढ़ रहे थे, वहां पर शुरुआत जो हुई है वो 1887 के एसे से मानी जा रही है कि वो एक बहुत इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटेड आइडिया था। सो कंपैरेटिव मेथड की अगर बात करें तो विल्सन को कंपैरेटिव मेथड पे भी क्या था, उनका एक इनपुट तो था ही, जब वो कह रहे हैं कि इन यूरोप एंड इन मोनार्कीज वी हैव सीन मोर साइंटिफिक वे ऑफ डीलिंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो कंपैरिजन की भी बात कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि कंपैरिजन से चीजें बेहतर होती हैं। सो ओवर हियर यू सी देयर इज अ कंपैरिजन ओवर हियर विद दिस। सो ही रिजेक्टेड फिलोसॉफिकल मेथड टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन, एम्फेसाइज हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड। इन्होंने फिलोसॉफिकल आइडियाज को देखना शुरू खत्म कर दिया, मतलब ये प्लेटो है और आपका सोक्रेटिस है, जो क्या हो रहा है इनके समय और इनकी जो थ्योरीज हैं ट्रुथ के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फिलोसफिकल स्टफ नहीं। इनका ये मानना था कि अभी हमें हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा और कंपैरेटिव देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल मतलब मिडिवल टाइम्स में कैसा था,
फ्रांस में कैसा था, जर्मनी में कैसा था, इंग्लैंड में कैसा था, कंपैरेटिव बेसिस में देखना पड़ेगा. सो व्हाई टू कम कंपैरिजन, बिकॉज कंपैरिजन से यू गेट टू नो स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव वीकनेस, कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटीज, कंपैरेटिव थ्रेट्स, आने वाली दिक्कतें जो हो सकती हैं, ये सब को चेक किया जा सकता है. सो इसलिए कंपैरेटिव मेथड अच्छे हैं. द फियर वॉज दैट दिस मेथड लीड टू इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन सिस्टम. अब यहाँ पर बात हो रही है, और इनका क्रिटिसिज्म भी किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऐसे आइडियाज जो कि ये लाना चाह रहे हैं फ्रॉम मोनार्की, वो पूरी तरह गलत हों. और मोनार्की तो अपने आप में डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, काफ़ी कोवर्सिव होती है, काफ़ी हेजमेनिक भी हो सकती है. कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ही लोगों के बहुत ही सेंट्रलाइज है, लोगों के ओपिनियन की तो वहाँ कोई जगह नहीं है. तो कहीं वुड्रो विल्सन उस राह पे तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया. सो द फियर वॉज दैट हिज मेथड लीड टू इम्पोर्ट ऑफ फॉरन सिस्टम. क्या हम कॉपी पेस्ट कर लें कहीं से, ऐसा इनका मानना था. इनके लिए बातें यूज करी गई. तो इनका जो क्रक्स था, इनका जो आइडिया था, वो ये था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वेदर यूरोप हैज मोनार्की और डेमोक्रेसी. वॉट वी केयर अबाउट इज दैट इफ सर्टेन थिंग्स आर बींग डन इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए, वी कैन डेफिनेटली बोरो सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द इकोनमीज और द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन नेशंस एंड देन पुट इट इन टू अमेरिकन सेटिंग. तो वहां पर लिखा जा रहा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर नाइफ को शार्पन कर रहा है, और नाइफ को शार्पन कर रहा है, उसका शार्पन करने का तरीका बढ़िया है, पर उसका जो उद्देश्य है वो है किसी व्यक्ति को मारना. तो हमें उद्देश्य की तरफ नहीं जाना है, हमें ये देख लेना है कि उसके पास स्किल है. क्या स्किल है? नाइफ को शार्पन कैसे बेहतर ढंग से किया जाए. वी इन अमेरिका कैन इम्पोर्ट दिस स्किल एंड रादर लीव द मोटिव ऑफ दैट पर्सन टू किल समबडी बिहाइंड. That would be the good import. That would be the good comparative method. So F.W. Riggs हैं, उन्होंने कहा कि Wilson gave a highest loyalty to democratic government and he would never have approved export of administrative technology to non-democratic country. So यहाँ पर आपका Wilson highest loyalty दी है government को. विल्सन को जब ये कहा जा रहा है कि कुछ किस चीज़ें मोनार्की की वजह से बेहतर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूरोप की तरह तब्दील करना चाह रहे हैं. ही वुड नेवर हैव अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. और ना वो एक्सपोर्ट को कहेंगे, ना वो इम्पोर्ट को कहेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि नॉन डेमोक्रेटिक वे में मानी जाए. तो ना तो वो हेल्प कर रहे हैं किसी मोनार्की की, और ना ही वो वहाँ से कोई हेल्प ले रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है अमेरिका में उसको मोनार्की बना दिया जाए. फेरल हेडी, विल्सन एसे सीम्स टू अज्यूम दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपोर्ट एंड हिज आइडिया हिज अटेंशन इज गिवन एक्सक्लूसिव टू द क्वेश्चन ऑफ सर्कमस्टांसेस इट शुड बी इम्पोर्टेड. सो उनको ये है कि भाई यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं वो हमें देखना है कि यूरोप जैसी जगह पर जो वहां से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके लाई जा सकती है, हमें ये देखना है कि किन सर्कमस्टांसिस में उन्हें यूएसए में हम इंपोर्ट कर सकते हैं. इस पे ध्यान देने वाली बात है. सो द गवर्नमेंट न्यू मीनिंग. अब गवर्नमेंट का न्यू मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट का न्यू मीनिंग से मतलब है कि हम स्टेट को कैसा रुख दे सकते हैं. अभी तक हम अगर बात करें तो अर्ली 1900s में अमेरिका वॉज नॉट अ वेरी प्रॉस्पेरस नेशन. देर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम. स्लेवरी के बाद के समय में ब्लैक्स के साथ बहुत बड़ा दिक्कत थी, यहाँ तक कि 1960s तक भी दिक्कत रही. रोजा पार्क जैसी महिलाओं ने बड़ा मूवमेंट शुरू किया था, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी आपको पता है. सो यहाँ पर वो एक प्रयास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप ब्लैक्स को देख रहे हैं, उनकी स्थिति देख रहे हैं, टूटे फूटे घर देख रहे हैं. यहाँ पर वो गवर्नमेंट को नया मीनिंग देना चाह रहे हैं. इनका मतलब ये था कि ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल द न्यू मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन 1912 फोकसेस मोर ऑन इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. उनका ये मानना था कि हम लॉज तो बना रहे हैं, पर फिर भी हमारे यहाँ हाउसिंग क्राइसिस है, फिर भी हमारे यहाँ ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अभी हम साइंटिफिक वे में सोच नहीं पा रहे हैं. तो इसीलिए वी नीड टू अप्लाई द लॉज इन अ बेटर वे.
So the earlier article, he talks of consent of government, but in this, participation in government of all classes and interests. So consent of governed. यहाँ पर पहले वो मानते थे कि लोगों से पूछना चाहिए कोई भी लॉ बनाते समय उनका, पर यहाँ कह रहे हैं कि पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए, लोगों को लगाते समय भी, एप्लीकेशन करते समय भी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू ही बेहतर चीजें हो सकती हैं। सो लॉज शुड बी क्लियर एक्सप्लिसिट एंड फाउंडेड अपॉन द फैक्ट। सो लॉज क्लियर होने चाहिए, एक्सप्लिसिट होने चाहिए, फैक्ट्स में आने चाहिए, हवा में नहीं आने चाहिए। गवर्नमेंट एक गुड ट्रस्टी की तरह काम करे, जैसे ट्रस्ट होता है वहां पर सबका एक तरीके से अपना अपना हिस्सेदारी होती है, ईमानदारी होती है, ऐसी गवर्नमेंट भी लोगों की क्या है, ट्रस्टी है। कंक्लूजन, द पब्लिकेशन ऑफ वुड्रो विल्सन ऐसे मार्क्स द बर्थ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रिकॉग्नाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। सो अब से पहले जो पॉलिटिकल साइंस थी उसका ही, उसको मदर डिसिप्लिन माना जाता था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पढ़ाया नहीं जाता था। सो वुड्रो विल्सन का ये मानना था कि वुड्रो विल्सन का जो एसे था 1887 का, उसने एक शुरुआत करी जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक नई चेंज आया और लोगों ने यूनिवर्सिटी में से पढ़ना शुरू किया, सीरियसली लेना शुरू किया, इस आइडिया को जानने लगे कि हाँ ये भी तो पॉसिबल है कि वी कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच कैन बी स्टडीड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। सो डॉक्ट्रिन आफ्टर डॉक्ट्रिन विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सेप्टेड एज वैलिड वॉज फर्स्ट मेंशन बाय। सो जो भी फिलोसफीज, जो भी थ्योरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज जानी जा रही हैं, उनको काफ़ी हद तक वुड्रो विल्सन पहले ही जिक्र कर चुके हैं। विल्सन ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज टू डिस्कवर वॉट गवर्नमेंट कैन प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली डू इन अ वे वेरी ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ एसे। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो उद्देश्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी का जो उद्देश्य है, वो ये है कि क्या गवर्नमेंट बेहतर तरीके से ग्राउंड पे लागू करा सकती है, बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकती है। सो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज विल्सन हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड इज टू ब्रॉड, टू जर्नल और टू वेग। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत जर्नल चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, साइंटिफिकली चीज़ें करनी पड़ेगी, वेग है, आइडिया नहीं था उस समय, क्या पता जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अलग माना ही नहीं जाता था और ये माना ही नहीं जाता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभा रहे हैं, सब कुछ पॉलिटिकल क्लास के थ्रू ही मैनेज हो रहा था, तो वहाँ पर ये वेगनेस तो लगेगा ही आइडिया। विल्सन वॉज एम्बिवेलेंट ऑन मेनी इशूज, बहुत सारे इशूज पे तो उनका एक भाव है कि डायकोटमी होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, सो कन्फ्यूजिंग भाव देखने को मिलता है और कहीं पर उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं पर आंसर नहीं दिए, बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कैसे होना चाहिए बात नहीं करी है, कंपैरेटिव करेंगे अमेरिका यूरोप से कैसे होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे कैसे होनी चाहिए, ये बातें नहीं कर पाए हैं। सो बट दीज लिमिटेशन डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ विल्सन ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। एज वाल्डो नोटेड इन हिज स्टडी, ड्वाइट वाल्डो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जो एसे ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने लिखा था 1887 में। तो यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, हाउ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस का मतलब है आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो पॉलिटिकल चीजों से बहुत अलग है। एक पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है वो वोटर प्रेफरेंस, इलेक्शन जीतने से संबंधित है, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है वो इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सही से लॉ को लागू कराना, इससे संबंधित है, इफेक्टिवनेस से संबंधित है। तो ये है, इस क्वेश्चन को समझिए। सो अभी हमने दो स्कॉलर्स को देखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, एंड दिस वाज द लेक्चर दैट वी डिस्कस टू स्कॉलर्स। नेक्स्ट ऑफ द लेक्चर वी वुड डिस्कस मोर ऑफ द स्कॉलर्स। टिल देन हैव अ गुड टाइम। जय हिंद, जय भारत। आप यहां पर जरूर जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये PPT भी मिल जाएंगी और भी बहुत सारा मटीरियल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।
स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।